भैया चोरों की भी अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है। कुछ तो टुच्चे टाइप के होते हैं और कुछ का अपना अलग ही स्टैंडर्ड होता है। तो हमारी आज की झक ऐसे ही स्टैंडर्ड चोरों की है। तो आज चलिए एमपी के देवास। हुआ यूं कि यहाँ के एसडीएम साहब कुछ दिनों से छुट्टी पर चल रहे थे। अब इसकी भनक लग गई चोरों को, बस सब मिल बैठे और बैठे बैठे ही लाखों करोड़ों का प्लान बना डाला। फिर एक रात मौका पा के चुप्पे से घुस गए। अच्छा देखिए, घुसे भी सरकारी आवास में। अब भैया सिक्योरिटी की बात ना करिए, वो एकदम मुस्तैद थे, कम बखत चोर ही बिना बताए घुस गए। घुसे तो घुसे, सबसे पहले अलमारी में लगा 2.5 किलो का ताला तोड़े। सोचे कि इधर ताला टूटा और उधर उनकी आने वाली 10-12 पुश्तों की किस्मत चमकी। बड़ी मेहनत लगन से बेचारे ताला तोड़े। ताला टूटते ही तीनों बेहोश हो गए। असल में अलमारी में था एकदम सफाचट सन्नाटा। कुछ तो वहीं रोना पीटना मचा दिए। जब साथी समझाए तब जाके कुछ नॉर्मल हुए। फिर भैया मारे गुस्से के पूरा घर तितर बितर कर दिए। बेचारे चोरों की मेहनत और शिद्दत देख के एसडीएम साहब के घर को भी उन पर तरस आ गया। 30,000 रुपए और ज्वेलरी पा गए। लेकिन ये रकम भी उनको देख देख के मुस्किया रही थी। अब छन्नी लाए के छाने तब जाके इससे कुछ ज्यादा निकला। फिर चोरों ने कागज लिया और उसे अलमारी पे चिपका दिया। उसमें लिखा कि कलेक्टर साहब, जब पैसे नहीं थे तो लाख नहीं करना था। भैया बात तो 16 ने सही है। बब्बल, ये तो उस ताले का घोर अपमान है। उनके टैलेंट के साथ सरासर अन्याय है। चोरों का टाइम वेस्ट हुआ सो अलग। चोर लिखे भी साहब के ही नोट पैड पे और उन्हीं के पेन से। खैर, जब एसडीएम साहब घर लौटे तब इस कांड का पता चला। अब कौन किया कौन नहीं किया ये तो पुलिस वाले ही पता लगाएंगे। लेकिन हमारी आज की झक हुई यहीं समाप्त। हमारी झक आपको पसंद आई हो तो फौरन वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप सुन रहे थे मिस्टर झक्की लाल, जो बातों बातों में कर देते हैं लाल। इनकी बातों का अंदाज है निराला। अब सुनते रहिए लेके हाथ में चाय का प्याला। चलते हैं, जय हिंद।